बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। आईटी विभाग के अधिकारी के घर सीबीआई का छापा पड़ा है। तो आईटी विभाग के अधिकारी के घर पड़ा है सीबीआई का छापा। अधिकारी निरंजन कुमार के घर सीबीआई की छापेमारी हुई है। सीबीआई ने 2 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है आईटी विभाग के अधिकारी को। सीबीआई ने आयकर विभाग के दफ्तर में छापेमारी की। छापे के दौरान आयकर विभाग के कर्मचारियों ने मारपीट की। सीबीआई टीम से की गई है मारपीट। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है लखनऊ से, जहां पर आयकर विभाग के अधिकारी के घर सीबीआई ने छापेमारी की। दफ्तर पर सीबीआई ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि अधिकारी निरंजन कुमार के घर भी सीबीआई ने छापेमारी की है। आपको बता दें सीबीआई ने 2 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है आईटी विभाग के अधिकारी को। सीबीआई की टीम के साथ मारपीट की आईटी विभाग के कर्मचारियों ने। तो बड़ी खबर लखनऊ से, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, आईटी विभाग के अधिकारी के घर जब सीबीआई का छापा पड़ा था। दफ्तर पर भी छापेमारी की गई। आईटी विभाग के कर्मचारियों ने सीबीआई टीम के साथ मारपीट की है। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। और बताया जा रहा है कि सीबीआई ने आईटी विभाग के अधिकारी निरंजन को रंगे हाथों घूस लेते हुए पकड़ा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आईटी विभाग के अधिकारी के दफ्तर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। घर पर भी पड़ा है छापा। आयकर अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। 2 लाख रुपए की रिश्वत ली जा रही थी, और इसी दौरान सीबीआई की टीम मौके पर पहुंची और रंगे हाथों पकड़ लिया। इस दौरान छापे के दौरान आईटी विभाग के जो कर्मचारी थे उन्होंने सीबीआई की टीम के साथ मारपीट भी की है। तो लखनऊ स्थित आयकर भवन पर छापेमारी की गई। इसके अलावा आईटी विभाग के अधिकारी निरंजन कुमार के घर भी सीबीआई का छापा पड़ा। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने रंगे हाथों 2 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा है। तो सीबीआई की टीम के साथ मारपीट भी की गई है। बताया जा रहा है कि जो आईटी विभाग के कर्मचारी थे मौके पर उन्होंने सीबीआई टीम के साथ मारपीट भी की है। तो आईटी विभाग के अधिकारी के घर पर पड़ा है छापा। सीबीआई ने ये छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। अधिकारी का नाम निरंजन कुमार है, जिसके घर भी पड़ा है छापा। और इस दौरान जब सीबीआई की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची, रंगे हाथों पकड़ा, उस दौरान वहां मौजूद आईटी विभाग के जो कर्मचारी थे उन्होंने सीबीआई टीम के साथ मारपीट की है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें लखनऊ स्थित आयकर भवन पर यह छापा पड़ा। आयकर विभाग के अधिकारी को रंगे हाथों घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि 2 लाख की घूस ले जा रही थी, और इसी दौरान मौके पर सीबीआई की टीम पहुंची और सीबीआई की टीम ने छापेमारी कर रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन इस दौरान देखने को मिला कि वहां पर जो कर्मचारी मौजूद थे आईटी विभाग के, उन्होंने सीबीआई के टीम के साथ मारपीट की है। तो अमूमन आयकर विभाग की टीम छापेमारी करती है, और अब आयकर विभाग की दफ्तर और अधिकारी के घर पर भी छापेमारी की गई है। सीबीआई की तरफ से पड़ा है ये छापा आयकर विभाग के दफ्तर और घर पर। तो आईटी विभाग के अधिकारी के दफ्तर पर सीबीआई का पड़ा है छापा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारी निरंजन कुमार के दफ्तर पर सीबीआई ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि 2 लाख की घूस ली जा रही थी, और इसी दौरान सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तो अधिकारी को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये घूस 2 लाख की ली जा रही थी। बताया जा रहा है कि अधिकारी निरंजन कुमार 2 लाख रुपए की घूस ले रहा था, और इसी दौरान सीबीआई ने छापेमारी कर रंगे हाथों अधिकारी को पकड़ लिया। इस दौरान सीबीआई की टीम के साथ मारपीट भी की गई है। सीधे रुक कर लेते हैं लखनऊ। हमारे संवाददाता आरके पाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आरके पाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सीबीआई की टीम ने कब और कैसे छापेमारी की, और क्या कुछ सीबीआई के हाथों लगा? सीबीआई को लगातार अधिकारी जो कि आयकर विभाग में तैनात है निरंजन कुमार इनका नाम है, इनको लगातार सीबीआई को इनके खिलाफ शिकायतें मिल रही, जिसके चलते आज इनको पक्की इन्फॉर्मेशन मिली कि ये किसी से 2 लाख रुपए घूस मांगी है, जिसके चलते आज सीबीआई पूरी फोर्स के साथ आई और इन्हें रंगे हाथ पकड़ ली। और इस दौरान जब पकड़ने आई थी, तभी उसी समय वहाँ के कर्मचारियों ने सीबीआई पे धावा बोल दिया, जिसमें कि सीबीआई के कर्मचारियों में तुतुमेमे हो गए और लड़ाई हुई, जिससे कि कुछ कर्मी घायल भी हो गए, उनके थोड़ी बहुत चोटें आई। जी, इस वक्त आरोपी अधिकारी कहाँ पर है आरके पाल, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? इस समय आरोपी सीबीआई के कस्टडी में है जी, क्योंकि पुलिस सीबीआई भी हम लोग से मिलने नहीं दे रही है, ना ही जानकारी बता रही है कि इस समय क्या है उनके, लेकिन पूरी तरह उन्हीं की कस्टडी में है सीबीआई टीम के। दफ्तर पर छापेमारी की गई आरके पाल, और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सीबीआई के अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई है? आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगी?
अधिकारी के खिलाफ अभी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। सीबीआई के अधिकारी अभी गुमसुम बातें कर रहे हैं, जो कि अभी सामने कतरा रहे हैं मीडिया से, लेकिन फिर भी जो कि उनको उनके ही द्वारा बताया गया है कि निरंजन कुमार को पकड़ लिया है, और अधिक जानकारी जो होगी तो बताएंगे आगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आर के पाल ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो इनकम टैक्स की रेत डालने वाले इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी निरंजन कुमार के दफ्तर पर सीबीआई ने छापेमारी की है। सीबीआई को शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते सीबीआई ने निरंजन कुमार के दफ्तर पर छापेमारी की और रंगे हाथों 2 लाख की घूस लेते हुए पकड़ लिया। फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है आरोपी अधिकारी और आगे की कार्रवाई में सीबीआई जुट गई है।